आई एम सॉरी, पता ही नहीं चला आपका भाई। बैठिए ना। कहाँ गुम थे? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। मुझे भी ले जाओ। कहाँ? जिन ख्यालों ने तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम मुस्कुराते रहो और मैं वो लम्हे महफूज करती रहूं। बहुत अजीब बातें करती हैं आप, अपने आप से निदामत होने लगती है। खुद को मेरी नजरों से देखोगे तो जान पाओगे। इंसान अपने आप को अपनी नजरों से देखे तो बेहतर है, क्योंकि हर इंसान अपनी औकात जानता है। हाजी अच्छी बात है, लेकिन इतने भी आजिज मत बनो कि खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओ। खैर, जाने दीजिए। बताइए, कॉफी पियेंगी आप? तुम साथ दोगे मेरा? जरूर। बल्कि एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह से कॉफी पिलवाती हूँ। आज सारा मुश्किल है, मुझे जल्दी जाना है। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने के लिए। कीजिए, सुन रहा हूँ। तुम्हें मेरी बातें सुनना अच्छी लगती हैं। अच्छी बातें करती हैं। बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया तुमने मुझसे। चलिए, कोई रिलेशन था। जब जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ तो अनजान क्यों बनते हो मेरी चाहत से? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे शानी, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए वो सब कर सकती हूँ जो कोई और नहीं करेगा। आप भूल रही हैं मेरे आपके दरमियान क्या आता हुआ है। दोस्ती, दोस्त समझ के ये तो बात कर रही हूँ तुमसे। दोस्त से बढ़कर तो कोई और मसीहा नहीं होता। दोस्त और मसीहा एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, हल तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते। जो मोहब्बत जवाब में मोहब्बत ना पा सके वो नासूर बन जाती। लेकिन जहां से मोहब्बत मिल ही ना पाए वहां से मोहब्बत की उम्मीद रखना खुद फरेबी होती है। प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे आपको दुख पहुंचे। मेरे दुख की इतनी फिक्र है तो मेरे सुख की परवाह कर लिया करो। बस में नहीं है मेरे। क्यों खुद को इतना बेबस समझते हो? बेबस तो मैं हूं, तुमसे बात करने के लिए तड़पती रहती हूं, मगर जब तुम सामने उठो तो मैं बात ही नहीं कर पाती। सिर्फ इसी डर से कि जो दोस्ती का ताल्लुक है कहीं ये भी ना गवा बैठूं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। भाभी बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल। एक मिनट अम्मी, भाई अपना फोन देना, आपके कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। इधर ला जाओ। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? नया दौर है, भाई को अंगूठी पहना रहे थे, वरना बाद में इनसे डांट ही खाते रहेंगे कि मुझे अंगूठी नहीं पहना। तमीज से, भाभी है तुम्हारी होने वाली। अच्छा, सॉरी। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, नया दौर है, अगर आप इजाजत देती हैं तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसमें इन दोनों बच्चों की खुशी। ये लो बेटा। इजाजत है जी। इजाजत। आप ही का फोन।
हेलो अस्सलाम वालेकुम शान साहब, आप ही बहुत अच्छे वक्त पे आपने कॉल किया, हम लोग मंगनी पे। कोई नहीं, मेरे वाले से खींच लेते हैं, थोड़ी गंदी आएगी। हाँ भाई, अच्छी आनी चाहिए सबकी। चल बेटा। हाय शानी, आई थिंक तुम किसी फंक्शन पे बिजी हो, बाद में बात कर लेंगे। कोई जरूरी काम है क्या? आई एम सॉरी शानी, जो सब मैंने कहा उसके लिए सॉरी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। किसकी मंगनी है? आई थिंक तुम बिजी हो, बाद में बात होगी। ओके। अरे भाई क्या यार, बताने देते, खुशी हो जाती हूँ कम से कम। मना किया ना, मेरा फोन मत आंसर किया करो, सुनते नहीं हो किसी की बात। अच्छा आज तो मत डांटे, फोन देना। ठीक कह रहा है भाई तुम्हारा, शांजे को अगर पता चल जाता ना तो उसे बुरा लगता, कहती मुझे इनवाइट नहीं किया। तुम यूं करो, कल मिठाई दे के आ जाना उसे। अभी दे आऊं जाके? अब क्या हो गया बेटा, क्यों नाराज हो रहे हो? चलो रसम पूरी करो। जी चल भाई। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राम जुनून, अब दिल का तमाशा देखेंगे। अब आप भी बना दे। फर्जी है भाई, खाना मिलेगा? क्यों, जल्दी है जाने की। तुम कहती हो तो शादी तक रुक जाता। तो लग रहा था आज भी किसी ने जबरदस्ती भेजा है तुम्हें। सॉरी यार, गुस्सा आ गया था मुझे। शानी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, हर किसी के सामने इतना जलील नहीं कर सकते तुम उसे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि शांजा को हर मामले में घरवाले इतनी अहमियत देते हैं। एहसानात है उसके तुम पर, तो जिनके एहसानात होते हैं उनको अहमियत देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर के फंक्शन में घुसा लिया जाए। फूफो चाहती थी तो बुला लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कल ऑफिस जाके मिठाई दे देना। हाय शानी। हाय रमला। अच्छा हुआ कि आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। शांजा ने बताया होगा आपको कि मेरी शादी हो रही है,
फाइक के साथ। फाइक से तो मिल चुके हैं ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। खैर मुबारक। दरअसल शानजे मुझसे कुछ नाराज है, लेकिन मैंने उससे कहा है आप दोनों ने हमारी शादी में जरूर आना है। दोनों ने? ऑब्वियसली, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप दोनों को एक साथ। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों अच्छा लगेगा आप दोनों को साथ देखकर। इसलिए, बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे, इतनी मोहब्बत करती है आपसे कि आपकी खातिर वो मुझसे भी उलझ पड़ती है। लेकिन मुझसे तो क्या, वो तो किसी से भी उलझ सकती है। आप आएंगे ना? जी जी। थैंक यू। अच्छा शानी, उसे मायूस मत करना प्लीज, पहली बार उसने किसी पर भरोसा किया है। चलिए मैम, मैं चलता। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया घर, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीन। तुम चाहो तो आज ही शिफ्ट हो सकते। मुझे कुछ कहना है आपसे। शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ कहना है। थैंक्स के अलावा जो कहोगे मैं खुशी से सुन लूंगी। थैंक्स नहीं कहना, कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना है? जो बताऊंगा सुन के आपको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा तो फिर मत बताओ। नहीं बताऊंगा तो बेईमानी होगी, धोखा होगा। मानते हो ना, दिल की बात किसी से ना कही जाए, किसी अपने से सच ना बोला जाए तो बेईमानी होती है, धोखा होता है। इसलिए तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती। मैं जानता हूँ क्या कहना चाहती हैं आप। मोहब्बत का एतराफ जब जबान से ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारी हर बेईमानी सह लूंगी, हर धोखा खा लूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत नहीं करते। कोई बात नहीं, आज नहीं करते तो कल कर लोगे। आप प्लीज मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। शानी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं आपके साथ जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। पर मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टेटस तुमसे मुख्तलिफ है। चूंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इस स्टेटस को बराबर कर दूंगी। जब तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो सब खुद मेरे बराबर आ जाओगे। शवन नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, आपका स्टेटस। अपनी दुनिया में बहुत खुश। प्लीज मुझे खुश रहने दीजिए। तो साफ साफ कहने लगी है कि उसने अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है। तुमने उसे मंगनी के बारे में बताया? नहीं यार, नहीं बताया। अच्छा किया? गलत किया, बहुत गलत किया मैंने। मुझे उसे पहले दिन ही बताना चाहिए था कि मेरी जिंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं है। ये बात तुम जब तक छुपा सकते हो छुपाओ। यार मत दिया कर मुझे इस तरह के फजूल मशवरे। अगर वो किसी गलत फहमी में जीना चाह रही है तो जीने दो। इतना बेजमीर नहीं हूँ कि उसे धोखा दूँ मैं। यार अगर कोई धोखा खाना चाहता है खुशी से अपनी, तो खाने दो ना, उसे उठाने दो धोखे की लज्जत। नहीं दे सकता मैं धोखा, ना ही सजीला को और ना ही शानजे को। तुम दोनों को बराबर रख रहे हो? पागल हो गया क्या? कहाँ सजीला और कहाँ शानजे? सजीला का किसी से कोई मुकाबला नहीं है।
बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। सजीला को मालूम है शांजे के बारे में? मालूम है। वो भी यही समझती है कि मेरी सारी महरूमियों का मदावा शांजे को खुश रखने में ही है। तो फिर मसला क्या है अल्लाह के बंदे? तुम शांजे को बिल्कुल भी नाराज मत कर। वो लड़की तुम्हारे मसाइल का हल भी है और तुम्हारी महरूमियों का अजाला भी कर रही है। और अपने आप को इतना गिरा लूं कि शांजे को मोहब्बत के जाल में उलझा के अपने मफाद पूरे करता रहूं? यार शानी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मोहब्बत के जाल में वो फंसना चाह रही है तो फंसा दूं ना, क्या पता कल तुम्हें मोहब्बत हो जाए उससे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बस कर दे यार, इसकी मोहब्बत में तू इतना फुदक रहा है ना। तूने खुद यही कहा है कि वो चाहती है कि शांजे खुश रहे ताकि वो तुम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। मान ले मेरी बात, उसे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए बस। अब तूने एक लफ्ज भी सजीला के बारे में कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। आज तो तुझे ये मेरी बातें बुरी लग रही हैं। याद करेगा तू? आएंगी तुझे ये बातें याद? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, बस रूफी के साथ। वो शांजे का ड्राइवर आया था घर की चाबियां देने, तुम शायद भूल गए थे। इतने लापरवाह हो गए हो, घर की चाबियां ही भूल गए। ये आप क्या घर घर किए जा रही हैं अम्मी? वो घर नहीं है, एक अपार्टमेंट है। बेटा तो जब हम जाके रहेंगे तो वो घर बन जाएगा, अपार्टमेंट नहीं रहेगा। आप उसे घर कहें या अपार्टमेंट, मेरे लिए वो सिर्फ एक एहसान है और बस। तुम क्या समझते हो, हम एहसान फरामोश हैं या हमें उस लड़की के एहसानों का अंदाजा नहीं है? जब वक्त आएगा तो हम एहसान चुका देंगे उसका। तुम्हें तो कोई खुशी ही नहीं है। जुगनू और नादिया को देखो, अपनी अलमारियां खाली करके पैकिंग शुरू कर दी है। और नादिया ने सजीला को फोन पे ही बता दिया। वो तो फोन पे ही इतनी एक्साइटेड थी, मैं क्या बताऊं। आखिर उसी को तो वो घर आबाद करना है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि ये घर तो आबाद होने के काबिल रहा नहीं है। क्या हो गया इसे? अल्लाह ने खुशी दी है तो हमें खुश होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। पागल ही हो गया। मानते हो ना, दिल की बात किसी से ना कही जाए, किसी अपने से सच ना बोला जाए तो बेईमानी होती है, धोखा होता है। इसलिए तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती। मैं जानता हूँ क्या कहना चाहती हैं। मोहब्बत का एतराफ जब जबान से ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारी हर बेईमानी सह लूंगी, हर धोखा खा लूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी, मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हेलो, कहाँ थे? इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ। दोस्त की तरफ था। मुबारक हो भाई, मैं बता रही हूँ अभी से अपना नया घर मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। मैंने तो फूफो से भी कह दिया कि मुझे अपने साथ लेके जाए।
कहाँ खो गए? ना करो, तुम इस बात से भी खुश नहीं हो शानी? मेरी खुशी की अहमियत है किसी के लिए? क्या हुआ है कि इससे लड़कर आए हो? तो ये भी समझ में नहीं आता कि किससे लड़ो किससे नहीं। लगता है इंसान वहां है जहां उसको ये उम्मीद हो कि कोई सुनेगा समझेगा उसको। शानी क्यों इतनी अजीब बातें करते हो? लगता ही नहीं कि फूफो के बेटे हो। वहां सबको देखो कितना खुश है, मैं आप पता नहीं तुम किस बात का शोक मना रहे हो। काश तुम्हें एक बार अंदाजा हो जाए कि मैं किस बात का शोक मना रहा हूँ। शानी अगर तुम्हें खुद खुश होना नहीं आता ना तो दूसरों की खुशी से ना खुश होना सीख लो। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी से क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जात की पड़ी रहती। इतनी खुश थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया। बाय। बाय। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। पर मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टेटस तुमसे मुख्तलिफ है। चूंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इस स्टेटस को बराबर कर दूंगी। जब तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो बिल्कुल मेरे बराबर आ जाएंगे शवन। जब जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ तो अनजान क्यों बनते हो मेरी चाहत से? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे शानी, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए वो सब कर सकती हूँ जो कोई और नहीं करेगा। आप भूल रही हैं मेरे आपके दरमियान क्या तय हुआ है। दोस्ती, दोस्त समझ के ये तो बात कर रही हूँ तुमसे, तो उससे बढ़कर तो कोई और मसीहा नहीं होता। दोस्त और मसीहा एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, हल तजवीज कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते। जो मोहब्बत जवाब में मोहब्बत ना पा सके वो नासूर बन जाती। लेकिन जहां से मोहब्बत मिली ना पाए वहां से मोहब्बत की उम्मीद रखना खुद फरेबी होती है। प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे आपको दुख पहुंचे। मेरी दुख कितनी फिक्र है तो मेरे सुख की परवाह कर लिया करो। बस में नहीं है मेरे। क्यों खुद को इतना बेबस समझते हैं? बेबस तो मैं हूं, तुमसे बात करने के लिए तड़पती रहती हूं, मगर जब तुम सामने उठो तो मैं बात ही नहीं कर पाती। सिर्फ इसी डर से कि जो दोस्ती का ताल्लुक है कहीं ये भी ना गवा बैठूं। जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत नहीं करते। कोई बात नहीं, आज नहीं करते तो कल कर लोगे। आप प्लीज मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। शानी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं आपके साथ जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। से तुम अभी तक यहां बैठी हुई हो, तैयार नहीं होना तुमने? मुझे नहीं जाना। कम ऑन शान से, तुम सोच सकती हो कि रमला को कितना बुरा लगेगा, आज उसकी मेहंदी है।
मैं नहीं भी जाऊंगी तो हो जाएगी। But Shansi, she's your best friend. तुम्हें पता है तुम्हारे डैड और मैं भी सोच रहे थे कि हम जाएं, फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादी पे जाएंगे। चलो उठ जाओ ना। मेरा मूड नहीं है जाने का, मुझे पता है कि उसे भी मेरा इंतजार नहीं होगा। तुम कह रही थी कि रमला ने शानी को भी इनवाइट किया है, उसके साथ चली जाओ, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। मॉम प्लीज, मुझे नहीं जाना, इंसिस्ट मत करें। कल भी नहीं जाओगी? शायद नहीं। देखो शानजेब, हेलो, आपने फिर अपनी मनमानी की ना? शानी, हम इस बारे में बाद में बात करें तो बेहतर है। आपकी मनमानियों के आगे हार जाता हूं मैं। तुम तो हार के भी जीत जाते हो। हार की कसर तो सिर्फ मेरे हिस्से में है। मोहब्बत में हार की कसर कितनी तकलीफ दे होती है अब जाके अंदाजा हो रहा है मुझे। मैं तो पहले दिन से ही चाहता था कि आप इस कसर से महफूज रहें। अगर तुम ये चाहते तो मेरा हाथ पकड़ते और मेरा साथ देते। साथ ही तो हूं मैं आपके, और वैसे भी साथ चलने के लिए हाथ थामना जरूरी थोड़ी है। Are you sure तुम मेरे साथ हो? मेरी एक एक सांस एक एक पल आपका मखलूस है, तो फिर साथ होने से कैसे इनकार कर सकता हूं? ख्याल रखिएगा आपने। अल्लाह हाफिज़। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा गम हो चाहे या सदा, है यार तूने ये क्या किया। हाँ प्यार के काबिल कर दिया, मुझे प्लीज शानी का नंबर व्हाट्सएप करो, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं सामिया बोल रही हूँ, शानजे की अम्मी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हो तुम, तो उस दिन के बाद नजर ही नहीं आए। जी वो बस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है? मेरा मतलब है शानजे और तुम्हारे। नहीं ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। मगर वो बहुत अपसेट है, आज उसकी बेस्ट फ्रेंड रमला की मेहंदी और वो नहीं जा रही। जी मेरा ख्याल है रमला से उसी की नाराजगी चल गई, शायद इसलिए ना गई। हाँ मगर तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो इतने स्पेशल ओकेजन पे उसको भूल जाना चाहिए? शी शुड गो। सी यू आर राइट। मुझे लगता है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम शानजे को कन्विंस करोगे तो वो जरूर जाएगी, और अगर तुम उसके साथ जाओगे तो वो ज्यादा खुश होगी। मैं क्यों साथ लेके जाऊंगा उसको मैम? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई मीन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और रमला को भी ये पता है, इसलिए तो तुम्हें भी इनवाइट किया है। आई थिंक तुम शानजे को कॉल करके टाइम फिक्स कर लो। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कहाँ घूमो?
कहीं नहीं हम। जी फरमाइए। शांजे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुमसे बात की है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसका फोन था? रहने दें, मैं अगर आपको बता भी दूंगा तो आपने कौन सा मेरा मसला समझ जाना है। बेटा माँ हूँ तुम्हारी, यूं अजनबी मत बना दिया करो। बताओ क्या मसला है, किसका फोन था? शांजे की मम्मी की कॉल थी। अच्छा, उनकी कॉल थी तो तुम मुझसे बात करा देते। क्यों बात करा देता मैं आपकी उनसे, क्या लगती है वो आपकी? शांजे की अम्मी है तो तुमसे तो बात करना ही फजूल है। क्या सोचती होंगी, किस तरह तुम उनसे रूखे फीके अंदाज में बात कर रहे थे। अम्मी वो कुछ नहीं सोचती होंगी, और आप पूछ रही थी ना कि मेरा मसला क्या है, तो मेरा मसला ये है कि किसी को ये जानने समझने में गर्ज ही नहीं है कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी गुलामी करूं। कल मेरा डे ऑफ है, वो चाहते हैं कि शांजे की फ्रेंड की शादी में मैं शांजे के साथ जाऊं। क्या जवाब है इस बात का, किस हैसियत से जाऊं मैं? तो शादी कहां है, किसी दूसरे शहर में? अरे कहीं भी है अम्मी, इसी शहर में है शादी। तो फिर क्या मसला है बेटा, जब इसी शहर में है तो तुम्हारा फर्ज बनता है, वो लोग भी तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। चले जाओ, नखरे ना दिखाओ बेटा, चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम शांजे को कन्विंस करोगे तो वो जरूर जाएगी, और अगर तुम उसके साथ जाओगे तो वो ज्यादा खुश होगी। आई मीन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और रमला को भी ये पता है, इसलिए तो तुम्हें भी इनवाइट किया है। अम्मी, क्या वो आपने बात की शानी से? नहीं, और तुम भी उससे कुछ बात मत करना। मगर आप तो शानी को बताने गई थी ना कि उसने मामी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं कर लूंगी तुम्हारी मुमानी से बात। लेकिन आपने तो मामी को बोल दिया है कि शानी घर पे, वो उन्हें ले जाएगा डॉक्टर के पास। हाँ, लेकिन कल उसे कहीं जाना है, वक्त नहीं है उसके पास। पर अम्मी आप बात तो करके देखे, शायद वो वक्त निकाल ले। अरे मैंने कह दिया ना, मैं भाभी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम शानी के सामने अपनी जबान बंद रखना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई मीन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और रमला को भी ये पता है, इसलिए तो तुम्हें भी इनवाइट किया है। आई थिंक तुम शांजे को कॉल करके टाइम फिक्स कर लो।
हेलो शानी। हाय, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें याद, ट्रस्ट मी, तुम कुछ करने ही नहीं देते। तुम्हारे ख्यालों से बाहर आऊं तो ही कुछ कर पाऊंगी। आपकी दोस्त की शादी है आज, जाएंगी? नहीं। वजह पूछ सकता? अकेले जाते हुए नदामत महसूस होगी। तो आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे क्या? उनके साथ जाऊंगी तो भी रमला और फाइक को अकेली नजर आऊंगी। मैं काम कीजिए, मैं आपको पिक करने आ रहा हूं, अब तैयार हो जाइए। रियली? तुम जाओगे मेरे साथ? साथ चलने का वादा तो किया है ना मैंने आपसे। मैं आ रहा हूं। मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, अब तैयार हो जाइए।